हेलो गाइज, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपके वी आई ऐप में प्रॉब्लम आ रही है और वहां पे लिखा रहा है इनवैलिड वी आई नंबर, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत दिनों से आ रही थी, जब मैं अपने ऐप में अपनी रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा था आईडी को, तो वहाँ पर इनवैलिड नंबर बता रहा था। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, दो मेथड बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले मेथड फर्स्ट में चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है आपको, अपना डिवाइस का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो जैसे प्ले स्टोर ओपन किया, वहाँ पे आपको सर्च करना है वी आई ऐप के बारे में। तो मैंने वी आई ऐप को सर्च कर दिया है। तो वी आई ऐप सर्च करने के बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अगर अपडेट का ऑप्शन आया होगा तो अपडेट कर लेना है, और अपडेट का ऑप्शन नहीं आया है तो मैंने भी अनइंस्टॉल कर दिया है, और फिर से इंस्टॉल करना है आपको, वैसे सेम टू सेम करना है। इससे आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगर बाई चांस प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, आपको सेकेंड मेथड ट्राई कर लेना है। सेकेंड मेथड में क्या होगा दरअसल, तो आपको डिवाइस की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी कभी वीक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आती है। तो हमें क्या करना है, एसेस पॉइंट नेम्स में जाना है। तो इस पर क्लिक किया, जैसे पहले प्रेफर नेटवर्क टाइप में जाते हैं, LTE रखिएगा आप भी। और इसके बाद क्या करना है, आपको एसेस पॉइंट नेम्स में जाना है, और जहाँ पर आपका APN होगा उसको रीसेट कर दीजिएगा। कभी कभी कुछ टेक्निकल एरर के कारण आपका इंटरनेट चल नहीं पाता बेहतरीन से। तो इसके बाद जाइएगा मोबाइल नेटवर्क में। मोबाइल नेटवर्क में जो नेटवर्क सिलेक्ट किया है उसको ऑटोमेटिक पे रहने दीजिएगा, मैनुअल मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद वोल्ट को ऑन कर दीजिएगा, और एडवांस सेटिंग में जाइएगा और डाटा रोमिंग को ऑन कर दीजिएगा। ये सब सेटिंग करने के बाद एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा, और ये ट्राई करके देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।